हे hey दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राइट वर्ड्स एंड अर्न मनी। शब्द लिखो और पैसे कमाओ, कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा और लिटरली कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहना और जो मैं हमेशा कहता हूँ आज भी कह रहा हूँ, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको वैल्यूएबल वीडियोज मिल सके और आपको बहुत भरपूर नॉलेज मिल सके इस चैनल के द्वारा। एंड मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए अच्छी 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 चीजें लाने के लिए। लाइक बिल्कुल फ्री है, दबा दो। लेट्स गो। सो माय नेम इज सी, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राइट वर्ड्स एंड अर्न मनी। तो गाइज, रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि ये करो वो करो वो करो एफिलिएट सेल करने के लिए, राइट। सो उसमें कुछ वेबसाइट्स मैंने बताया, लाइक जैसे इजाइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, क्यूरा हो गया, blogger.com हो गया। तो ये जो वेबसाइट्स हैं, आपको इन पे जाना है, क्या करना है, जाना है और समझना है कि कॉमन चीजें इसमें क्या है। देखो आप अपने लेवल पे समझो, मैं अपने लेवल पे बताता हूँ इसमें कॉमन चीजें क्या है। दो सबसे बड़ी कॉमन चीजें हैं, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक ग्रोथ। आज के समय में आपको पता है कि फेसबुक जैसी वेबसाइट्स एंड इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट्स ऑलमोस्ट जो इनका ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो डेड हो चुका है। तो आपको क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं बार बार इन्हीं चीजों पे वीडियो बनाते हैं कि यार इस पे लिखो आर्टिकल, उस पे लिखो, उस पे लिखो। सो इसमें एक चीज कॉमन आती है, राइटिंग, और जो पहली चीज मैंने बताई ग्रोथ। तो ये दो चीजें ही इन वेबसाइट्स में कॉमन। फर्स्ट, ऑर्गेनिक ग्रोथ अभी भी इन वेबसाइट्स में है, ठीक है, और जो दूसरा है राइटिंग, ये आपको इन वेबसाइट में लिखना पड़ता है। आई नो कि मैंने अभी आपको पिंटरेस्ट के बारे में बताया, पिंटरेस्ट पे आपको पता होगा कि उसमें सिर्फ फोटोज डालते हैं, लाइक जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे करते हैं, बट इंस्टाग्राम में थोड़ा आप नीचे लिख भी सकते हो, बट पिंटरेस्ट में ये यूजफुल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, फोटो में भी लिख सकते हो, वर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, राइट। सो इसमें कॉमन दो चीजें हैं, पहला ग्रोथ और दूसरा राइटिंग। तो दोस्तों, अगर आप लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, क्यूरा, एजाइन, ब्लॉगर, इनसे पैसा बनाना चाहते हो, कुछ सेल करना चाहते हो इनके द्वारा, तो स्टार्ट राइटिंग 9 to 10 लाइंस एवरी डे। व्हाट, 9 to 10 लाइंस एवरी डे ऑन दैट प्लेटफॉर्म। यस, देखो अगर आप फोकस करोगे एक प्लेटफॉर्म पे तो आप पैसे नहीं बना पाओगे। मैं नीश या किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से आप पैसे बनाओगे, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉपशिपिंग एक साथ करो, मैं बोल रहा हूँ एफिलिएट मार्केटिंग करो, बट उसके जो वेज है ट्रैफिक के, उसमें आप चार चीजों में एक साथ काम कर सकते हो, तो करो ना। हु इज स्टॉपिंग यू, स्टार्ट डूइंग मैन, स्टार्ट डूइंग। जाओ इन वेब प्लेटफॉर्म पे डेली 9 to 10 लाइन्स लिखो। देखो आपको हर यूट्यूबर यही बताएगा कि इधर ये करना है, इधर ये लिखना है, उधर वो लिखना है, ठीक है, और फिर वहां से सेल होगा। तो 10 वीडियो को देखने से अच्छा आपको पता है इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जस्ट गो ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड स्टार्ट शेयरिंग कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट एवरी डे एंड यू विल सी कि आपका सेल स्टार्ट होगा, राइट। सो इट्स सो इजी प्रोसेस गाइस, बार बार अपने आप को कंफ्यूज मत करो। इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट एंड द सेकंड थिंग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट ऑल द प्लेटफॉर्म, ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म बी कंसिस्टेंट। गो राइट द कंटेंट, बी कंसिस्टेंट, आपके वर्ड्स सेल होने लगे, सेल होने लगे। एंड लिटरली मैं वीडियोज एक बार में शूट करता हूँ, मैं बार बार वीडियोज को एडिट नहीं करता हूँ। सो आपको जो मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि ऐसे आपको कंसिस्टेंट रहना है और लिखना है, लिखना है कॉन्टेंट भी में, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको अर्निंग स्टार्ट है। तो आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है, आपको बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप फ्री ट्रैफिक के साथ काम करना चाहते हो तो इट्स फॉर यू। और एक्स्ट्रा टिप मैं दे दूँ तो आप इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें आप बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की चीज़ों को कॉपी करके उसको थोड़ा एडिट करके भी पोस्ट कर सकते हो। एंड आई नो कि हमारी ऑडियंस है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, समझ गई होगी कि आगे क्या करना है। तो मेक श्योर कि आप ये काम स्टार्ट कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए इस वीडियो ले जाने के लिए। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।